Many JAB aspirants are searching for the ideal source to prepare the component of accounting and financial management in the JAIIB examination. खास तौर पर अगर आप इस एग्जाम की तैयारी खुद कर रहे हो तो आप ऐसे सोर्सेज को जरूर ढूंढते हो जहां से आप इस एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं. इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी और आपकी प्रिपरेशन में इससे कोई मदद होती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग नहीं जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है. So friends, what is the best source first of all to prepare for the FM component? Pure component ke andar char different modules hain. Module A, B, C, D. Module A is accounting principles and processes. Module B is financial statements and core banking systems. Module C, financial management. And module D, taxation and fundamentals of costing. अब इन चारों मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करने का बेस्ट सोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है और वो है IIBF के द्वारा रेकमेंड की गई जो मैकमिलन पब्लिकेशंस की बुक है, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. दिस बुक इज द बाइबल फॉर दिस, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस जो IIBF ने डिजाइन किया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, नहीं पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलती हैं. बट स्टिल दिस बुक इज नॉट द आइडियल सोर्स. ये बेस्ट सोर्स जरूर है लेकिन परफेक्ट सोर्स नहीं है. परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं और खास तौर पर अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, जिसने अकाउंट्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले कभी नहीं टच की है, उनको पहली बार इन चीजों को अगर समझना है तो इस बुक से समझने में काफी मुश्किल आ सकती है. सो इस वजह से मैं कुछ आपको हैक्स बताने जा रहा हूं. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बुक अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जरूर होनी चाहिए. यही बुक आपको गाइड करती है कि किन टॉपिक्स को कितनी डेप्थ के अंदर प्रिपेयर करते हुए आपको एग्जाम के अंदर जाना है. इसके बाद मॉड्यूल ए, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, भर भर के क्वेश्चंस आपको एफएम में आते हैं. इस मॉड्यूल को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, यू कैन यूज द एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 11th. ये एनसीईआरटी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. क्लास 11th में दो अकाउंट्स की बुक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, इसके 8वें चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर है एफएम के. फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, इसका 9th, 12th एंड 13th चैप्टर, ये आपके सिलेबस के अंदर है. तो टोटल इन दो बुक्स के अंदर 8+3, सो आपको यहां पर 11 चैप्टर्स जो है कवर्ड मिलते हैं. एंड दीज टू बुक्स दे कवर द मॉड्यूल ए. और यहाँ एनसीईआरटी के अंदर सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो सकती है एज कम्पेयर टू दी बुक गिवन बाई दी IIBF. इसके अलावा जब मॉड्यूल बी की हम बात करते हैं तो मॉड्यूल बी के अंदर क्लास 12th की अकाउंट्स की बुक है, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हियर चैप्टर्स 1, 3, 4, 5 एंड 6, दीज आर योर 5 चैप्टर्स दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर AFM component from the class 12th NCERT book, company accounts and analysis of financial statements. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, class 11th की class 12th की एक और book है, which is for not for profit organizations and partnership organizations. उसको हम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो बुक है इसके आपको चैप्टर्स 1, 3, 4, 5 एंड 6 ये पढ़ने हैं. क्लियर हो गया. अब मैकमिलन की बुक का क्या करें सर? मैकमिलन की बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी. मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी का जो सिलेबस है वो आपको किसी भी दूसरी बुक के अंदर वैसा नहीं मिलता है जैसा आपको मैकमिलन की बुक के अंदर मिलेगा. सो मेरी रिकमेंडेशन आपसे है कि मैकमिलन की बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिए. अगर आप नेक्स्ट साइकिल में या किसी भी साइकिल में इस जैव एग्जाम को प्रिपेयर करने जा रहे हो, उस बुक को सामने रख करके ही आप अपनी प्रिपरेशन को गाइड करवाएंगे, राइट? सो इसके अलावा लेट मी इन्फॉर्म यू दैट बुक से तैयारी करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो सभी टॉपिक्स, वो सारा सिलेबस जो बुक्स के अंदर अच्छे से दिया गया है, उसको हम लोग आपके साथ बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट टाइम के अंदर कवर कर रहे हैं थ्रू फ्री ऑनलाइन वीडियोस. ये वीडियोस आपको एक वीक में मंडे टिल सैटरडे यानी हफ्ते में 6 दिन देखने को मिलती हैं. शाम को 7 बजे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, मंडे को पीपीबी की, ट्यूसडे को एफएम की, वेडनेसडे को आईआईएफएस, एंड दिस साइकिल देन रिपीट्स अगेन थर्सडे पीपीबी, फ्राइडे एफएम एंड सैटरडे आईआईएफएस. एंड दीज वीडियोज आर शॉर्ट वीडियोज वेयर वी कवर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इस तरीके से कवर किए जाते हैं कि धीरे धीरे करके इफ यू कीप अप विद दीज वीडियोज डेली, यू विल सी कि आपका सारा जेआईबी का सिलेबस फॉर द पीपीबी, एफएम एंड IIFS component is getting covered. और वहां से ही आपको जो questions exam में आएंगे, वहां पर आप easily more than 50% marks वहां से score करके जाएंगे. So do not forget to tune in for these particular videos at 7 PM from Monday till Saturday on our YouTube channel. And channel को subscribe किए बिना, video को like किए बिना please मत जाइएगा. यही मेरी आपसे request है. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. जय हिंद एंड जय भारत.